ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। सीमा बेटिया, अरे 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 अरे, अरे सेठ साहब खैरियत, यहाँ आना हुआ, तबीयत वबीयत तो सही है ना? मैं इधर एक काम के सिलसिले में आया लगे। अच्छा 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 अच्छा, एक गिलास पानी पिलाने का। लो, ये काम करना था तो घर में ही कर लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बकवास बंद करो, सीमा को बुलाने का। सीमा मैडम से बात करनी थी तो फोन पे कर लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? दिमाग खराब नहीं करने का, वैसे मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर थके हुए थे तो मालशी को अपने घर बुला लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सीमा, सीमा। रे पापा, आप अचानक, बताया भी नहीं, सब खैर तो है ना? खैरियत ही नहीं है जे। क्यों पापा, क्या हुआ? मेरे पीछे कुछ डाकू लगे। क्या? तो पापा आप यहाँ क्यों आ गए? क्यों पापा, कहीं वो डाकू यहाँ आ गए तो? नहीं, उनको एड्रेस नहीं पता इधर का ना। एड्रेस पता करना कौन सा मुश्किल काम है, आप लोकेशन डालें गूगल पे, डाकू आराम से आपके घर पे। तुम अपना मुंह बंद रखो जानी। लेकिन पापा आपके पीछे डाकू लगे क्यों? पहले मैं उनके पीछे लगा था ना। वो क्यों? मैंने उनको डाका मारते हुए देख लिया, पुलिस के कहरे पे मैं इनको पहचान गया ना। तो फिर? फिर क्या, फिर डाकू ने इनको पहचान लिया। अब क्या होगा? पहले स्वयं होगा फिर चालीसवा। अब तुम अपना मुंह बंद रखो, अब आप आए, मैं बच्चों से बात करती हूँ, वो हल निकालेगा इसका। बच्चू भाई, जरा बात तो सुनना बच्चू भाई। अरे बाबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चू भाई को रोकने की? बच्चू भाई क्या हो गया, इतना नाराज क्यों हो रहे हो भाई, क्या हो गया, झगड़ा करके आओ क्या किसी से? नहीं बाबा, झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अब होने वाला है। अरे किससे? अरे बाबा तुम दोनों से। क्यों, हमने क्या किया है? तो भाई हमसे क्यों लड़ोगे? अरे बाबा भी तुम गलत बात करोगे, मैं हाथ तो छोड़ दूंगा। अरे नहीं बच्चू भाई, हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इस मोहल्ले में कोई इज्जतदार है? वाह बच्चू भाई। और अगर इस मोहल्ले में कोई नेक आदमी है तो वो आप हो बच्चू भाई। इस मोहल्ले में कोई सबसे ज्यादा समझदार आदमी है तो वो भी आप ही हो बच्चू भाई। अच्छा बाबा, बस 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 बस, ये बताओ बाबा काम क्या है? अरे बच्चू भाई, हमें अपनी दूध की कंपनी पे काम पे लगा लो बस। अरे बाबा अभी कोई नौकरी नहीं है बाबा। बच्चू भाई दिल में जगह होनी चाहिए यार, दिल में जगह होनी चाहिए भाई। अच्छा बाबा, चलो फिर कल से काम पे आ जाना बाबा। तनख्वाह कितनी होगी? बाबा तनख्वाह उतनी जितनी एक वर्कर की होती है। मेरी तरफ से हाँ है, आप एक काम करो, एडवांस करो। बाबा एडवांस? एडवांस किस बात का बाबा? अरे बच्चू भाई, नौकरी पे रखा है ना, तो एडवांस तो दो। बाबा पहले काम तो शुरू करो। बच्चू भाई काम की गारंटी हमारी, मगर बगैर एडवांस के हम काम नहीं करते भाई। अच्छा बाबा, कितना एडवांस? 1000 मुझे दे दो और 1000 इसे दे दो। बाबा पकड़ो, बाबा पकड़ो अपने 1000 रुपए। हाँ बाबा पकड़ो ये वाले भी। हाँ ठीक है बाबा, काम पे आ जाना टाइम पे बाबा। कल कल से नहीं आ सकते बच्चू भाई, कल हमारे घर में शादी है, हमें कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए बच्चू भाई। और शादी के बाद फौरन आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ओके बच्चू भाई, हम चलते हैं घर से, हमारे घर में शादी है, हमें दूल्हे के लिए उपटा भी लेना। अरे बाबा इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है या मैं बेवकूफ बन गया हूँ? तुम तो बोलता था कि तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे शौहर कहीं नहीं जाते। हाँ तो पापा मैंने सही कहा था। अब तुम्हारे बगैर कैसे चलेंगे वो? सेठ साहब आपकी बेटी के काम में सही गया है। बाबा आप यहाँ कब आए? कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, कोई खत नहीं लिखा। बच्चू पापा ना बहुत परेशान है। अरे बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है, इस उम्र में इंसान को परेशान रहना चाहिए, वरना दिमाग में खून जम जाता है। अदा
आपको पता है कि सेठ साहब ने डाकू को पहचान लिया है। तुम तो चुप करो बच्चू, पापा ने डाकू को पहचान लिया है। अरे बाबा, डाकू सेठ साहब को पहचाने या सेठ साहब डाकू को पहचाने, बाबा मैं क्या करूं? अरे मेरा मतलब है कि पापा ने डाकू को पहचान लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, अब वो ना जेल से छूट गए हैं और पापा के पीछे पड़ गए हैं। और हाँ, उनमें से एक जेल से छूट भी गया, और जेल से छूटते ही पहला कत्ल सेठ हशमत का करेगा। अरे बाबा, ये तुम्हें किसने बताया? डाकू ने? अरे नहीं बाबा, मैंने देखा है फिल्मों में। बच्चों, कुछ दिन के लिए तुमको यहाँ पर हमको छुपाने का। अरे बाबा, यहाँ कोई छुपन छुपाई नहीं खेलता है। मुझको खेलना नहीं है, मेरे को छुपना है, छुपने दे। अच्छा बोला, तो फिर ऐसा करो कि आप सोफे के नीचे छुप जाओ। मशवरा तो यह है बन। ठीक है, तो फिर ऐसा करना कि अच्छे से सफाई भी कर दो, बहुत मोटी जम गई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जरीना, बच्चू कुछ और सोचो। अच्छा बाबा, सोचना है मुझे, 15 दिन दो बाबा। 15 दिन तुम मांगता, 10 दिन में डाकू आ गया तो क्या करने का फिर? हाँ बाबा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। ठीक है बाबा, मैं जानी से मशवरा करता हूँ, आप लोग रुको यहीं पे, मैं आता। जानी से मशवरा? 12 दिन में आ जाना। अरे बाबा जानी, रोको इसे बाबा, रोको, मेरी बात तो सुनो बाबा। देखने का काम कर रहा हूँ, इंतजार करो थोड़ा। अरे बाबा, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। मसला खड़ा है तो खड़ा रहने दो, थक के खुद ही बैठ जाएगा। बाबा किसी की जान को खतरा है बाबा। बैठो बैठो, फिर तो बैठो। क्या हुआ? अरे बाबा, सेठ साहब की जान को बहुत खतरा है, उनके पीछे 2 डाकू लग गए बाबा, उनकी जान बचानी है किसी तरह। बच्चू भाई, अगर आप किसी की मुखबरी करेंगे तो वो आपको छोड़ेगा क्या? हाँ बाबा, छोड़ेगा तो नहीं। लेकिन बाबा, सेठ साहब ने ऐसा किया क्यों है? अदा ऐसे ही खाली पीली नहीं किया सेठ साहब ने, जरूर पुलिस से कोई इनाम लिया होगा। हाँ जरीना ठीक कह रही है, मेरे ख्याल से इनाम भी ठीक ठाक होगा। हाँ बाबा, कितने मिलते होंगे? मेरा ख्याल से 15-20 लाख तो कहीं नहीं गया। हाँ दा, जब सेठ साहब आए थे ना तो उनके पास एक बैग था, जरूर उस बैग में पैसे होंगे। अरे बाबा, पापा जानी ने ये तो नहीं बताया मुझे। लो बाला, ऐसी बातें कौन बताता है? बाबा मैं तो बता देता हूँ। अरे देखो ना, मेरा दा कितना सीधा है। जलेबी की तरह। अरे बाबा बस करो बस करो, मेरी तारीफें करना बस करो, बताओ करना क्या है? अदा ऐसा करते हैं ना कि देखो, सेठ साहब की जान भी बच जाए और अपन लोगों को इनाम भी मिल जाए। अरे भाई बस पैसे मिल जाए, जान की तो खैर है, और कितना छुपेंगे भाई? ऐसा नहीं बोलो बाबा, मसले का हल सोचो। समय में एक काम करते, सेठ साहब के पास चलते, उनसे पूछते बैग कहाँ है, रकम कहाँ है, रखी कहाँ है, क्या ख्याल है? हाँ बाबा ख्याल अच्छा है, चले चलो। आ जाओ जाओ, ये सफाई कर लेना बाद में। मैं करता हूँ। सेठ साहब, आप यहाँ बैठे हैं? पहले मेरे बात सुनने का, किसी को बताना नहीं कि मैं इधर है, और कोई पूछे तो बोले कि अशफाक साहब घर पे है ही नहीं, फोन बिल्कुल नहीं उठाने का। लगता है कि सेठ साहब ने किसी बड़े डाकू को पकड़वा दिया है। एक नहीं, दो आला और बाला, बाला और आला, आला बाला। आला बाला, ये तो बड़े मशहूर डाकू हैं। मशहूर डाकू हैं? बाला के इन पे किताब भी लिखी है? नहीं, इन पे किताब नहीं लिखी हुई, इनके बारे में किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, तो इनको पकड़वाने का सेठ साहब को इनाम भी मिला होगा? ना ना, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं, ना नहीं, मैं नहीं मान सकता, इतने बड़े डाकू और इनाम लो ना, ना। माफ कीजिएगा सेठ साहब, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आ, बस अब मुलाकात होगी कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? नहीं नहीं, अभी दुनिया में हमने देखा ही क्या, कब्रिस्तान ले जाता मेरे को। अच्छा सच सच बता, इनाम की रकम कहाँ रखी हुई है? बैग में जी, बैग में, वो भी 10 लाख। पूरे 10 लाख रुपए पूरे होंगे? बला मैं गिन लेती हूँ। अरे सरीना बस करो, 10 लाख है पूरे ही होंगे। मेरे को बचाने का, मैं 1-1 लाख दोनों को देने का। 1-1 लाख? आप तो कह रहे थे मैं करोड़ों का आदमी हूँ। है नहीं ना करोड़, है नहीं ना, मामा के पैसे नहीं ना। अच्छा बोला भी ठीक है, ना आपकी ना हमारी, 4 लाख जाने की, 4 लाख मेरे। तो मेरे को क्या बचने का? 2 लाख और आपकी जान। हाँ ना सेठ साहब, जान है तो जाहिर से बात है, ऐसे 10 लाख आप और भी कमा लोगे। डाकू बलों को उनसे मर गए। बिल्कुल सही कह रही, और एक और मुखबरी कर देना, सारे पैसे आप रख लेना। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरे को छुपाने का? ठीक है फिर, आप आए मेरे साथ। कहाँ? भाई एक ही आदमी है जो इस वक्त हमारी मदद कर सकता है, और उसका नाम है शौकत। शौकत भाई? हाँ, आइए सर, आइए आइए, चलिए सरकार आइए। मैं जानने का कंजूस बुज्जा कहीं का ना, तो 2-2 लाख में भला हम लोगों को होगा क्या? बड़ा आया सेठ हशमत।
कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा, कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? बाबा सबर करो, आ रहा हूँ यार। अरे बाबा क्या हो गया? बाबा क्या हो गया? बचाओ बचाओ बाबा बचाओ। खबरदार खामोश हो जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। अरे बाबा गोली, आपके बाबा दुखे है। और क्या, फायर मुंह से करेंगे? हाँ बाबा, हो सकता है, आजकल चल रहा है। क्या बाबा, मुंह से फायर, सुना नहीं आपने? ओए बकवास बंद कर और हमारी बातों का सही सही जवाब दे। अच्छा बाबा, मुझे छोड़ो ना बाबा, पहले फिर बताता हूँ। ऐसे ही बता हमें। अरे बाबा छोड़ो तो सही, मुझे अपना ही आदमी समझो बाबा। हाँ बाबा, अब पूछो सवाल। ओ ये हशमत कैसे आता है? अरे बाबा बड़ा आसान है, हे से शुरू होता है बाबा, बीच में शीन आता है, आखिर में ते आता है, ऐसे आता हशमत। अरे में हे ते शीन ना पड़ा, हमें ये बता हशमत कहाँ है? बाबा हशमत कौन हशमत बाबा? ओए ओए, तेरी बीवी का बाप और तेरा सौरा। अरे बाबा आपको किसने बताया? ओ मैं गूगल ने बताया है, और यहाँ तेरे साथ तेरी बहन भी रहती है। अरे बाबा, अच्छा ये आपको किसने बताया? गूगल ने। ओ हमें तो ये भी पता है कि तेरे इस घर में एक नौकर भी रहता है, जानी। अच्छा ये आपको किसने बताया बाबा? गूगल ने। अच्छा अच्छा, ओए अब बताओ, ओ हशमत कहाँ है? अरे बाबा हशमत ये नहीं बताया गूगल ने आपको। क्या बाबा, मेरा मतलब है आप दोनों है कौन? ओए मैं बाला और ये आला। ओए हम बड़े मशहूर है जमाना, डाकू है। अच्छा बाबा, आला इन बाला, अरे कौन भरेगा मेरा सला? ओए बकवास बंद कर। बाबा मेरा मतलब है कि आप लोग अंदर बैठे, आराम से बैठते हैं बाबा, बात करते हैं दोनों भाई लोग ना। बाबा बात कर, चले बाबा इधर इधर, बाबा उधर उधर बैठेंगे। आप यकीन करें बाला भाई, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। ओ जी शरीफ तो हम लोग भी थे, डाकू तो हम बाद में बने हैं। अच्छा बाबा वो कैसे बता ले? ओ जी हम दोनों एक ही जमात में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, फिर तो उस जमात में बाबा खामोशी तो नहीं होती होगी? अरे नहीं जी, मेरा मतलब कि एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, फिर? अरे बस जी, बाले ने फिर एक दिन क्लास में एक बच्चे का ना खाना चुरा लिया। अच्छा बाबा, क्या था खाने में? ओ जी बिरयानी थी, वो भी रात की बची हुई। हाँ जी, और वो भी उन लोगों ने पकाई नहीं थी, जो रात को किसी शादी पे गए थे वहां से थैली में ले आए। ओहो, अच्छा फिर क्या हुआ? भूख की वजह से बाले ने वो बिरयानी चुरा ली और असी दोनों ने मिलके खा दी। बाबा बहुत दुख भरी कहानी है बाबा, आपकी कहानी सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन पानी तो आंखों में आना चाहिए था ना। अब बाबा बिरयानी की कहानी है ना, इसलिए मुंह में आया। अदा अदा, ये कौन है? अरे बाबा अदब से सलाम करो इनको। अरे भला ये है कौन? अरे जरीना इनसे मिलो, ये है आला भाई, और इनसे मिलो ये है बाला भाई। अरे आला हो या बाला, मेरे पैर का छाला। आला बाला, मशहूर डाकू। अबे कौन है ये? अरे भले भाई, मुझे शक्ल से पुलिस वाली लगती है। अरे नहीं बाबा नहीं, ये मेरी बहन है जरीना। आपके आने की ना बहुत खुशी हुई, मुझे आप लोगों से मिलने का बहुत शौक था। मैं आपके लिए ना गरम गरम चाय बना के लाती हूँ। जाओ बाबा जाओ, इससे ज्यादा देर मत रुकना, जाओ जाओ बाबा जाओ। आप परेशान ना हो बाबा, चाय आती है, आराम से बैठे बाबा, मैं पंखा भी चला देता हूँ, गर्मी हो रही है। वट्टो साहब के 375,000 कैश। जानी जा, क्या हो गया? फेस एक्सप्रेशन से लगता है कोई खास बात है। जानी वो डाकू हैं। कौन से हॉस्पिटल में? अरे बाबा अस्पताल में नहीं, हमारे घर में आए हुए हैं। आला बाला। आला बाला हमारे घर में? वो कैसे आ गए? मुझे लगता है कि शायद अदा बचपन को लेके आए। अरे अब क्या होगा? कुछ भी नहीं। भला ये बताओ कि तुमने सेठ साहब को तो छुपाया हुआ है ना? हाँ हाँ, शौकत भाई के घर में रात भर जागते रहते। जानी मुझे लगता है कि वो ना उस रकम की तलाश में आए हैं जो बैग में। अरे वो बैग तो मैंने बच्चू भाई के पास रखवा दिया। अरे फिर ऐसा तो नहीं कि आधा बच्चू से वो बैग ले गए हो? एक काम करो, तुम उनको बातों में घुमाओ किसी तरीके से, मैं इतने में पुलिस को बुलाता हूँ। इससे भला क्या होगा? उससे ये होगा कि हम पुलिस से उनको पकड़वा देंगे और इनाम में 10,00,000 रुपए हमारे।
अरे हाँ जानी, इस तरह 20 लाख हो जाएंगे। और सेठ साहब को कहेंगे चलो अब निकलो यहाँ से, अब हालात ठीक नहीं अभी। अच्छा चलो भला ठीक है ना बाबा, पुलिस को बुलाओ। हाँ मैं करता हूँ, जरा एक काम कर लो, मैं भी करता हूँ। अच्छा जी, और बट्टू भाई क्या हो गया? अब हिसाब बाद में करना, पहले इम्पोर्टेंट काम करो। वो मैं करता हूँ, फिक्र नहीं करे, मैं जरा बस ये कर लूँ कम्प्लीट। बच्चों को इनको शक तो नहीं हो जाएगा कि सेठ साहब हमारे पास हैं? अरे बाबा थोड़ा थोड़ा हो गया था, लेकिन मैंने बात घुमा दी है। बच्चों जाने देख लो, फिर से कोई मसला ना पैदा कर देना। मैडम आप बस आम खाएं, गुटलियां बच्चों भाई को गिनने दें। अच्छा बाबा, मैंने पैसों का बैग ना अपने कमरे में छुपा दिया है। भाई इतना भी ना छुपा दो के बाद में मिले ही ना। अरे बाबा मिल जाएगा। अच्छा जानी तुम ऐसे करो, फौरन पुलिस को बुला लो। अरे उसकी टेंशन ले ही ना, मैंने फोन कर दिया था बेग साहब को, किसी टाइम पे भी आने वाले। हाँ बाबा, लेकिन एक बात बताओ, उन्हें पकड़वाएंगे कैसे हम लोग? ऐसा करते चाय में ना नींद की गोलियां डाल देते, बेहोश हो जाएंगे, पकड़ लेंगे। अरे नहीं, गोलियां आजकल 2 नंबर आ रही है, इसे कुछ नहीं होगा। बाबा मैं तो कहता हूँ टड्डा मार देते हैं सर पे। वाह बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, ताकि कत्ल का केस बन जाए। अच्छा ये बताओ जरीना कहाँ है? वो ड्राइंग रूम में, बात घुमा रही है वो, ताकि उनको शक ना हो कि हमने पुलिस बुलाई हुई है। अच्छा जरीना, बस फिर तो वो कहीं नहीं जाते। मैं इसी बात पे जरा चीली लूडी खेलते हैं। पापा बस प्लानिंग हो गई, अब जाओ चाय बना के लो, शाबाश। काम भी काम दे दो यार, काम तो करना है ना बाबा, तनख्वाह भी तो दे रहे हैं तुम्हें। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वैसे मेरे को ना डाकू की आदत बहुत अच्छी लगती है। वो भी यही कहती थी। कौन? ओए इसकी बीवी। लेकिन एक बात से नाराज होती थी। कौन? इसकी बीवी खाना ऐसा बनाती थी के। कौन? ओए इसकी बीवी एक दफा गुस्से में बैठी हुई थी। किसकी बीवी? तो इसकी बीवी, फिर उसने डंडा उठाया और मारना शुरू हो गई। कौन? ओए इसकी बीवी, लेकिन इस बात पे वो बड़ी शर्मिंदा हुई थी। अरे बाबा कौन? ओए इसकी बीवी, और फिर वो माफी मांगने लग गई। कौन? ओए इसकी बीवी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इसकी बीवी? अरे नहीं नहीं, मेरी बीवी। अरे बाबा इस बात को तो बुरा मानती होगी ना। कौन? अरे इसकी बीवी। अरे भाई नहीं, मेरी बीवी। अरे बाबा मेरा तो तुम लोगों ने दिमाग ही खराब कर दिया, इसी की बीवी, उसकी बीवी, जिसकी की बीवी, पर ठीक है अपने पास रखो और जाओ, मेरी जान छोड़ो। ओए हमारे जाने का टाइम हो गया है, तुम बच्ची और सीमा को बुलाओ, हमें उनसे कुछ जरूरी काम है। वो आप अंदर है, अंदर आप अंदर जाके मिल लो। अंदर है जी, चलो भाई आले। दफा इसी की बीवी, उसकी बीवी, तेरी बीवी, मेरी बीवी, कारो मुँह बीबी नहीं हो गई, पता नहीं मुश्किल हो गई, दिमाग खा लिया मेरा तो, बीबी बीबी बीबी। अरे बाबा सीमा हम करोड़पति हो गए बाबा। अच्छा हाँ। लेकिन वो कैसे? बाबा उस बैग में पूरे 10 लाख रुपए। तो बच्चों फिर तो हम लखपति हुए ना। अरे बाबा बस पुलिस भी आती होगी। जनाब क्या हम अंदर आ सकते हैं? आला भाई आओ बाबा। आए आए आला भाई, आप भी। वैसे पहली बार इतनी तमीज वाले डाकू देखे, ऐसा क्यों? ओ जी हम पहले वाले डाकू नहीं रहे, अब हम बड़े सुधर गए हैं। और सेठ हशमत को हमारा शुक्रिया अदा करना, जिनकी वजह से हमारी आंखें खुली हैं। क्यों बाबा, वो आपकी गली में सरी जगाते हैं क्या? अगर हमें वो ना पकड़वाते तो मैं अपनी गलती का एहसास कैसे होता। और इसीलिए हम सुधर गए हैं और सेठ हशमत का शुक्रिया अदा करने आए हैं। अरे बाबा आप सुधर गए, लेकिन हमने तो पुलिस बुला ली है। और जनाब कोई फायदा नहीं पुलिस बुलवाने का, पुलिस ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया है। और जी हमें पता है कि इनाम की रकम भी आपके पास है, लेकिन कोई बात नहीं, तुसी रख लो। और हाँ एक बात जरूर, सेठ हशमत को शुक्रिया अदा कर देना हमारी तरफ से। आओ आओ चले चले, हम भी हैं। अरे बाबा बाहर पुलिस है, बाबा बाला बाला बाबा। ओ दिन तो अच्छा गुजर रहा है सही बात। हाँ बाला खैर करे, पता नहीं होगा क्या। चले चले इधर। अरे भाई रखो ये पुराना सामान अपने पास। तमीज से बात करने का? मैं तो कह रहा हूँ कि बात ही नहीं करने का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे शौकत भाई सेठ साहब को क्यों लेके आ गए? डाकू अभी घर में ही है। आला बाला इधर ही है क्या?
अरे भाई आला हो या बाला हो या किसी की खाला हो, ये जब से घर में आए हैं पानी पिला दो, खाना खिला दो, चाय पिला दो, ये ला दो, वो ला दो, इतना नहीं पकता भाई हमारे यहाँ। असल में सेठ साहब ना खाते पीते घर आने से हैं। अरे सेठ हशमत, ओए शुक्र है तुम मिल गए। मेरे को माफ कर दो जी, आइंदा मैं कभी नहीं करेगा ऐसा। अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तो बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं कि हम तुम्हारी वजह से सुधर गए हैं। अगर तुम हमें ना पकड़वाते तो हम सीधे कैसे होते। वाह बाबा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, काश हमारा सारा मुल्क ऐसे ही सीधा हो जाए। हाँ बाबा, देखा बाबा जानी कितने अच्छे बना दिए हमने इनको। अच्छी बात है इंसान बनने का, तुम भी बन जाओ ना। देखे भाई एक बात सुन, अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुबह से कहा था भाई। शुक्र है पापा आपकी जान बच गई। खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। थोड़ा हिलेगा जी थोड़ा। अब कोई फायदा नहीं बेग साहब, ये लोग सुधर चुके हैं और पैसे बच गए तो अब मैं क्या करूं? अरे भाई आज की रेट कैंसिल हो गई, घर पे जाके आराम करो पास। अरे भाई मैं इतनी दूर से पेट्रोल डलवा के जो आया हूँ। अच्छा बाबा अच्छा, एक काम करो जानी बाबा, एक काम करो, वो 10 लाख के बैग में से ना बाबा बेग साहब को 300 रुपए दे दो। अरे भाई 300 जाया करने की क्या जरूरत है, मैं जा रहा हूँ ना थाने की तरफ, मैं छोड़ दूंगा आपको। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है? अरे भाई साइकिल है, उसमें मोटर डलवानी है। आओ। आ जाओ। हम जरूर आएंगे नाइला। हाँ जरूर आना, लिफाफा जरा भारी होना चाहिए। हाँ बाबा ठीक है, हम उसमें पत्थर डाल के दे देंगे, भारी हो जाएगा। अरे जानी अपन लोग करोड़पति हो गए। लाखों की चीज मिली है, करोड़ कैसे? अरे बाबा लाखों के मुनाफे से ही तो बंदा करोड़पति बनता है। चलिया वाह 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 वा, इन कामों में कैसा दिमाग चल रहा तुम्हारा। हमारी सालगिरह तो नहीं है अभी? कल का क्या भरोसा, पता नहीं हो ना हो। अल्लाह ना करे जाने, कैसी बातें कर रहे हो। अरे नहीं बाबा मेरी तो दुआ है बाबा, तुम्हारी उम्र भी हमें लग जाए। बंदा बात तो कम से कम अच्छी कर लेता है। इतने सारे मोबाइल जानी के पास आए कहाँ से? आ पापा मेरे को क्या पता, खुद ही जाके पूछ लो। वैसे तो 50-50 हजार के, लेकिन मैं आधे से भी कम कीमत में दे रहा हूँ। कोई फॉल्ट तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं भाई, ये बहुत अच्छा लड़का है। अरे मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। वैसे इतने अच्छे अच्छे और महंगे मोबाइल आप मंगवाते कहाँ से? हमारे तो कंटेनर है जी, दिन रात कंटेनर उतरते हैं। मोबाइल के? चावलों के। अबे मोबाइल की बात चल रही है तो मोबाइल के ही उतरेंगे ना। अरे बाबा इसमें तो सारे महंगे वाले मोबाइल है, अच्छे वाले बाबा। अब बच्चों जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है, वट्टा सट्टा जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।